तुम इतनी रात को घर के बाहर क्या कर रही थी? मैं बाहर गेट लॉक करने गई थी। अटका तुम गेट लॉक करने नहीं, मोहन के घर गई थी। राधिका, पर तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? आप उठ क्यों गए? आप तो सो रहे थे ना, जाइए सो जाइए। ओ, मुझे प्यास लग रही थी तो मैं। जाइए आप सो जाइए, छोटी छोटी बातों का इतना टेंशन मत लिया करिए, सब ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। ये छोटी बात कभी हो ही नहीं सकती राधिका, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम बहुत अच्छे से समझती हो कि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। अब मैं पता लगा कर रहूंगा कि तुम्हारे और मिस्टर त्रिवेदी के बीच में आकर है क्या। पापा, मैं वहां मनन से मिलने नहीं गई थी। तो फिर? पापा, मुझे ऐसा लगता है कि मनन के साथ स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं योगा कल इन्वॉल्व्ड है। क्या? मैं उसी का प्रूफ ढूंढने गई थी। कंगन, ये तुम क्या कह रही हो गुनगुन? देखो, मैं जानता हूं कि युग थोड़ा गुस्से वाला है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ा अजीब सा है, लेकिन वो एक अच्छा आदमी है। मेरी एब्सेंस में ना उसने उसने राधा को संभाला, उसने हमारे बच्चे को खुद का अपना नाम दिया। देखो, मैं जानता हूं कि हम राधा को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, हम उसे अपने साथ देखना चाहते हैं, पर इस सब के लिए हम युग को बदनाम तो नहीं कर सकते ना, उसका नाम तो खराब नहीं कर सकते ना। अरे पर पापा, मनन ने खुद कहा था ना कि चंपी ने वो किडनैपर को बाइट किया था और वो... बस ना गुनगुन, हम सब जानते हैं कि तुम कितनी जिद्दी हो, अपनी जिद मनवाने के लिए तुम मशरूम खाकर बीमार हो गई ना। जिद मनवाने के लिए तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरे फोन से तुमने युग को मैसेज किया था। तो इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। बस मुझे अब कोई बात नहीं सुननी, अब रात बहुत हो गई, जाकर सो जाओ।